जय माता दी। बड़ों को मेरा चंद स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाथ जोड़कर आप सभी को थैंक यू बोलूँगी। आप लोगों को मेरी जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप नीचे कमेंट करके बताते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिए हुए कमेंट्स ही मेरे लिए एक तरह से कहते हैं ना, मेरी सोल के लिए फूड का काम करते हैं। तो बहुत बहुत दिल से आप सभी को थैंक यू। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं डेली प्रिडिक्शन के लिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 13th में यानी कि सैटरडे का दिन क्या खास लेकर आया है, नंबर्स क्या हमारे लिए खास करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन के लिए। नंबर वन के लिए आप किसी कश्मकश में चल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन आपके लिए बना हुआ है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपके लिए जो कार्ड आया है वो ये कहता है कि गीता में भी देखिए एक बात लिखी है ना, कि जो आप करना चाहते हैं उसको करिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा कि वो सही है या गलत है। या तो किसी से पूछिए, और पूछना आप चाहते नहीं हैं क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो या तो पूछकर आप डिसीज़न ले लीजिए, नहीं तो करके डिसीज़न ले लीजिए। क्योंकि जब तक आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ें आपके लिए सेटल्ड हैं। तो आप आज के दिन इस चीज़ को ज़रूर करिए। आप जो भी कन्फ्यूज़न से गुजर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसे वो करना है आपको या नहीं करना है, तो मेरी तरफ से और कार्ड की तरफ से जो इशारा है वो यही है कि आप करिए। आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में ही जाने वाली हैं। नंबर टू की बात कर लेते हैं। नंबर टू के लिए 13 सितंबर का डे क्या ख़ास लेकर आया है और क्या ख़ास होने वाला है। सो नंबर टू आपके लिए आज का दिन, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आप। एक बात समझिए, जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। कल अच्छा था, आज बुरा हो गया, कल फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक चीज़ जिसने आपको परेशान कर दिया तो आप उसको हर चीज़ से रिलेट करने लगे और आपको लगे आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत है, ख़राब है। किसी एक व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे लोग ही आपको धोखा देंगे, क्योंकि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। इसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है आप उसको भूल जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, आपके साथ गलत हुआ है ना तो उसका जवाब भी आपके आंखों के सामने ही मिलेगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, और अपनी तरफ से भी किसी का जानबूझ के गलत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गाली भी दे रहा है ना, चुपचाप से सुन लीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि जल्द ही ये गाली उसको खुद ही पड़ने वाली है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ भी गलत मत करिए, गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए। आइए नंबर थ्री की बात कर लेते हैं। नंबर थ्री के लिए आज क्या कार्ड निकल कर आ रहा है। नंबर थ्री, आपके पास ना बहुत सारी प्यारी प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्योंकि बहुत सारी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज ना आपको एक मेजर डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी सिलेक्ट करते हैं ना, आप ऐसे समझिए, आप जो भी चूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी बन जाता है। तो वॉट एवर यू डू, आज आप जो भी करेंगे वो आपकी डेस्टिनी में शामिल हो जाएगा। तो आज जो भी आपको चूज़ करना है आप ये सोच के चूज़ करिए कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपके लिए कितना अच्छा रहेगा उससे। क्योंकि अगर सिर्फ आप थोड़े समय के लिए सोचें ना कि अरे थोड़े टाइम के लिए तो जॉब चेंज करनी है, कर लेता हूँ फिर देखेंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि उसमें ना आप ही को दिक्कत होने वाली है। आप आज जो भी डिसीज़न लें ये सोच के लें कि लंबे समय के लिए वो चीज़ आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहने वाली है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। नंबर फोर की बात कर लेते हैं। सैटरडे क्या कह रहा है आपके लिए। नंबर फोर आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है। दिस कार्ड इज़ ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं, जिस ब्लेसिंग्स का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। बस आपने अपने नेचर में थोड़ा सा सुधार लाना शुरू कर दिया है, विच इज़ गुड। नेचर में सुधार लाएंगे तभी आप दूसरों की भी दुआ पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के मन को कचोटेंगे, किसी को दुख देंगे,
तो आपके लिए भी चीज़ें अच्छी नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में अच्छा बुरा आप जैसा भी करेंगे सबका फल आपको यही मिलेगा। ऊपर जाके क्या मिलेगा उसको भूल जाइए, जो होगा वो प्रत्यक्ष आपके सामने यहीं पर होगा। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, कर्म करिए लेकिन किसी का गलत मत करिए। नंबर 5 के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं? नंबर 5, बी गुड डू गुड, विश्वास मत खोइए, अच्छा सोचिए अच्छा करिए तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आप सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं लेकिन आप उसको ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप रोज़ एक नया प्लान बना रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। सिर्फ सोचने से चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। और क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे यानी कि शनि का दिन यानी कि कर्म फलदाता का दिन, तो आज मैं आपको कहूँगी मेजर डिसीज़न लीजिए, बैठकर डिस्कस करिए जिसके साथ भी आपको डिस्कस करना है, लेकिन आज जो भी आप करना चाहते हैं उसका फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे और जिस काम के लिए आपने प्लान किया है ना, अगर आज आपने शुरुआत नहीं करी तो आपकी जगह कोई और मोर्चा मार के ले जाएगा, फिर आपको दुख होगा, अरे यार मैंने क्यों नहीं किया। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नंबर 6 आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है और ये कार्ड कहता है जो भी पुराना आपके साथ हुआ है उसको पीछे छोड़ दीजिए, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 6 आपके लिए कार्ड कहता है कि आपके पास नए ऑप्शंस बहुत है, नए रास्ते भी बहुत हैं, लेकिन आप चूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी सुई ना कहीं पीछे ही अटक गई है। तो जब तक वो अटकी हुई सुई को निकालेंगे नहीं, वो सुई आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। आप अपने अच्छे समय को जो आपके पास आने वाला है ना, आप उसको रोक रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप अपने पुराने समय से बाहर आइए, पुरानी अटकी हुई सुई को बाहर निकालिए, आगे मूव ऑन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर 7 आपके लिए कार्ड कह रहा है आज आप थोड़ा गुस्से में रहने वाले हैं, आपको गुस्सा बहुत आएगा, जिस वजह से आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप गुस्से में लोगों को कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि लोग सोचेंगे कि आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं। तो मैं आपको एक बात कहूँगी, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, चाहे भले ही आप सही क्यों ना बोल रहे हों लेकिन लोगों को ना वो सही सही नहीं लगेगा, आप गलत नज़र आएंगे क्योंकि आज का दिन आपके फेवर में नहीं है। तो नंबर 7 आपके लिए जो कार्ड कहता है वो ये कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को शांत रखिए, किसी के बारे में किसी को गलत मत बोलिए, चाहे आप सही क्यों ना बोल रहे हों लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझेंगे, उस गलत इंसान को गलत नहीं समझेंगे। तो आप क्यों अपनी इमेज ख़राब करना चाहते हैं किसी और के लिए गलत बोलकर, मत बोलिए, रहने दीजिए। ज़्यादा एडवाइस देना भी किसी और को ना कभी कभी खुद के लिए ख़राब हो जाता है, इसलिए आप अपने पे ध्यान रखिए। ज़्यादा इधर उधर की किसी को गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लोग आपकी इमेज को और ख़राब करेंगे। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सो नंबर 8 आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके कुछ सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपका कोई पेंडिंग वर्क है जो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आज कार्ड कहता है कि आपका पेंडिंग वर्क भी पूरा होगा, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्प जो मदद आपको चाहिए वो रास्ते में है और जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका काम ज़रूर बन जाएगा, एंड कोई बड़ी बात नहीं है। आज शाम को प्रोबेबली 6 बजे तक या 7 बजे तक आपके पास गुड न्यूज़ भी आ जाए, तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक जो परेशानी चल रही थी वो आज ख़त्म होते हुए दिख रही है। नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अब नंबर 9 आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो कहता है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मूव ऑन। आप कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई न्यू डील साइन करनी है तो आज का दिन रुक जाइए, आज का दिन आपके फेवर में नहीं आ रहा है, आज आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ कि आप सभी को अपनी डेली प्रेडिक्शन अच्छी लग रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी, क्योंकि नंबर्स के अकॉर्डिंग जो लोग न्यूमरोलॉजी चेक करते हैं, आप लोगों के कहने पर ही मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। एंड
आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम आपकी इस डेली प्रिडिक्शन से हमें बहुत हेल्प मिल रही है. सो दिल से आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए. बस इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोग अपना प्यार देते रहते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा. जय माता दी.